आज हो गया है एक नुकसान। दरअसल मैंने बाल धोए थे तो बाल खुले हुए थे, तो जो ये मेरे कान का है एक ये टूट गया है नीचे से, तो सोना सोने की थी ये, और नीचे की इसकी जो थी लटकन वो निकल गई है इधर वाले की तरह की, जैसे कि इधर वाले में। तो ये नुकसान हो गया है आज, और सच में मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं बनवाई जाती। चलो खो के अब ये मिल भी नहीं रही है, दुख इस बात का हो रहा है कि अगर मिल जाती तो इसको मैं टांका लगवा के ठीक करवा लेती, पर ये खराब हो गया है और इसमें मुझे बहुत दुख हो रहा है। नुकसान हो गया है क्योंकि आजकल सोना भी बहुत महंगा हो गया, और ऐसे में ये नुकसान, तो सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। नुकसान हो गया है बहुत ज़्यादा, मैंने ढूंढ भी लिया सारी जगह पर नहीं मिल रहा है, तो मम्मी को भी मैंने नहीं बताया है। अब मम्मी बाहर गई हुई है पालक लेने के लिए, तो मम्मी आएंगी उनको बताऊंगी तो पता नहीं गुस्सा होएगी क्या करेगी। पर जानबूझ के नहीं किया मैंने, बाल खुले हुए थे दूर में उलझ गया वो, और पता नहीं कब निकला, मुझे पता भी नहीं लगा निकलने का। खैर चले मम्मी आती है, मम्मी का मैं वेट करती हूँ फिर, और तब तक मैं इधर झाड़ू लगा लूँगी और हाट है इधर डालनी की वो डालूंगी, और फिर मम्मी पालक लेने गई है तो पालक वगैरह साफ करके फिर साग बनाना है, तो मैं पहले लगा दूंगी झाड़ू। यहाँ पर गोबर फेरा था तो जो मोटा मोटा सा गोबर है वो भी उतर जाएगा, और शाम का टाइम है तो शाम को झाड़ू लगती ही है, तो मैं पहले झाड़ू लगा लूंगी। और मम्मी गई हुई हैं पालक लेने के लिए क्योंकि साग बनाना है, और बस मम्मी के आने तक फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये काम निपटा लेती हूँ जो है, फिर पालक लाएंगी मम्मी वो साफ करना है। और झाड़ू लगाने के बाद मैं ये खाट कर रही हूँ अंदर, दरअसल ये एक निवार है बुना हुआ और ये बहुत भारी है, पहले टाइम की है ये, जो मेरे ससुर थे पापा जी उनकी बनवाई हुई खाटे हैं ये, और पहले के टाइम पे ये चलती भी थी तो ये काफ़ी भारी है। तो इसको बिछा के मैं इसके ऊपर डाल दूँगी एक बिस्तर, क्योंकि कोई भी आराम से बैठ सकता है लेट सकता है इधर आके, कच्चे हैं ये मकान तो इनमें, मकान कच्चे नहीं है सिर्फ फर्श कच्चा है और इनमें ठंडक रहती है, तो इसलिए इधर मैं ये बिछा रही हूँ। तो तब तक मम्मी आ गई थी पालक लेकर, और मम्मी को बस खाली पालक ही मिला है, इसके साथ चने का साग सरसों का साग या मूली के पत्ते वगैरह उन्हें नहीं मिले, क्योंकि शाम को लेट हो गया था और सुबह को फ्रेश मिलता है तो ख़त्म हो जाता है जल्दी, और हमने शाम को बनाया है। तो मैं इसको कर दूंगी साफ, और बच्चे देखे मेरा कितना परेशान कर रहे हैं। पालक साफ़ करने के बाद अब मैं इसको धोऊंगी पानी से, दो तीन बार निकाल दूंगी क्योंकि मिट्टी रेत वगैरह इसको लग जाती है, तो दो तीन बार तो अच्छे तरीके से साफ़ पानी में को निकाल दूंगी इसको, और फिर मैं रख दूंगी ढक के जिससे कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और जब तक ये पालक का पानी निकलेगा तब तक मैं जो चूल्हा है उसमें आग सिलगा दूंगी, और हंडी भी रखी हुई है काफ़ी टाइम से क्योंकि सर्दियों में पहली बार अब साग बनेगा, अब की बार का पहली बार साग बनेगा, तो उस पर भी काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी, तो उसको भी फिर मैंने धोया है पालक धोने के बाद, और चूल्हे में आग की है। तो बस जब तक मैंने ये काम की मम्मी ने निकाला है दूध गाय का, और चूल्हे में आग करने के बाद हंडी में रख दिया है थोड़ा सा पानी डाल के, मैंने रखते हैं ऐसे ही। तो मम्मी अब पालक काट के डाल रही हैं हंडी में, क्योंकि दांतड़ा नहीं लिया मम्मी ने, वैसे तो दांतड़े से पालक काटते हैं गांव में पहले, मतलब गांवों में पहले से ही दांतड़े से ही पालक वगैरह काटा जाता है, मेथी हुई पालक हुआ मूली के पत्ते हुए दांतड़ा काटने के ही काम आता था। तो मम्मी बस काट रही है पालक, और मैं यहीं पे ही मम्मी को बैठे बैठे ही सामान ला के दे दूँगी, क्योंकि फिर मम्मी को बार बार उठना पड़ेगा तो
वो भी अच्छा नहीं लगता, तो मम्मी बस यहाँ पर आज बनाएंगी साग। मुझे नहीं बनाना आता हंडी में साग, तो इसलिए मम्मी साग बना रही है। यहाँ मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मुझे हंडी में साग नहीं बनाना आता, और सिर्फ इसी वजह से मम्मी बना रही है हंडी में साग चूल्हे पे। और मैं कोशिश करूँगी कि मम्मी से सीख लूँ आज, जिससे कि जो अगली बार साग बने वो मैं खुद बना लूँ। दरअसल मुझे बस हंडी में घमना नहीं आता है साग को, मुझे लगता है डर कि कहीं हंडी गिर ना जाए, फूट ना जाए, सिर्फ ये। क्योंकि साग को घमने का भी एक तरीका होता है, कितना आपको जोर डालना है हंडी में या कितना आपको घमते हुए टाइम लगाना है, तो हर चीज़ का एक तरीका होता है। और बस मम्मी से मैं आज देखूँगी मम्मी को कैसे करेंगी वो। तो सारा पालक काटने के बाद मम्मी ने डाल दिया है हंडी में उसको, और ऊपर से मम्मी डालेंगी नमक इसमें। साग में नमक पहले ही डल जाता है, जिससे कि जो पालक है वो अच्छी तरीके से गल जाए। तो जब मम्मी ये कर रही थी तो इधर ये एक पुरानी निवार ही थी, तो मम्मी ने बोला कि इसको खोल दो, क्योंकि ये लोहे की खाट है और निवार भी ये काफ़ी पुरानी हो गई है। तो मम्मी ने बोला कि चलो इसको खोल दो और फिर इसको बुनवा लेंगे दोबारा से। तो बस फिर जब मम्मी को पालक घमना था, तो मैंने सोचा कि मुझे भी अभी कुछ खास काम नहीं है, तो मैं इसको ही खोल दूँगी पीछे। तो यहाँ मम्मी निकाल रही है साग में से जो एक्स्ट्रा पानी है वो, और उसके बाद मम्मी ने कर दिया है घमना शुरू साग को। और ये जो उधर थाली में रखा हुआ है येलो कलर का, ये है मक्की का आटा, इसको आलन बोलते हैं, आलन डालते हैं हमारे यहाँ पे। ये वैसे तो चावलों का डलता है, चावलों का जो आटा होता है वो डालते हैं, पर फिलहाल वो नहीं था तो मक्की का आटा था, तो मम्मी ने फिर वो ही थोड़ा सा डाल डाल के इसको घमते रहे। क्यों डालते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर डालते हैं सभी, हमारे यहाँ भी डालते हैं मायके में मेरे। तो बस मम्मी देख रही हैं इसको कितना घमना है कितना नहीं, और उसी हिसाब से फिर मम्मी उसमें आलन वगैरह भी डाल रही हैं। और मिर्ची मम्मी ने हरी मिर्ची इसमें डाली थी पालक के साथ ही काट के, तो क्योंकि लाल मिर्च नहीं डलती है, डालते होंगे वैसे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग सब करते हैं, पर मम्मी ने नहीं डाली है, मैं भी डालती हूँ अगर मैं बनाती हूँ तो कुकर में। तो यहाँ मम्मी लगी हुई है साग घमने में, और पीछे की साइड मम्मी जिसके साथ बोल रही है वो मेरे ही साथ बोल रही है मम्मी पीछे, और मैं लग रही हूँ निवार को उधेड़ने में। तो जब तक मम्मी ने साग घमा तब तक मैंने निवार खोल दी, और ये लीजिए घम दिया है अच्छी तरीके से मम्मी ने साग। बस अब इसको पकना है, जो इसका तड़का है वो मैं अंदर गैस पे तैयार कर दूंगी, यहाँ बाहर मम्मी आज साग के साथ मक्की की रोटी बनाएंगी। तो लीजिए निवार उधड़ गई है, और यहाँ मम्मी पहले डालना भूल गई थी अदरक, फिर मम्मी ने अदरक मंगवाया था और उसको मम्मी मामजिस्ते में कूट कर डाल रही हैं, क्योंकि साग में अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो लीजिए मम्मी ने डालकर अदरक कर दिया है मिक्स, और बन गया है साग हमारा, रेडी हो गया है, बस अब इसको तड़का लगाना है। तो तड़का मैं अंदर गैस पर तैयार कर रही हूँ, प्याज वगैरह काटी है मैंने तड़के के लिए, और क्योंकि मम्मी यार लहसुन नहीं खाते यहाँ पे, तो इसलिए लहसुन नहीं डाला। तो घी का तड़का लगा रही हूँ मैं, और घी में डाल रही हूँ मैं धनिया और मेथी, जीरा नहीं डलेगा साग में, जो है जीरे का तड़का नहीं लगता। तो मेथी धनिया भूनने के बाद प्याज भून जाएंगी मेरी, और बस लीजिए हो गया है तड़का रेडी, और लग गया है तड़का। और मम्मी ने बनाना शुरू कर दिया है मक्की का आटा, और जब तक मम्मी आटा बनाएंगी तब तक जो बर्तन पड़े हैं दो चार मैं उन्हें धो दूंगी, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ तो काम करना ही है, और जो पड़ा है काम तो वो निपट जाएगा, और अच्छी बात है क्योंकि खाना मम्मी बना रही है आज। तो मेरी सास सच में बहुत अच्छी हैं, और मतलब इस चीज़ का उन्हें कोई आलकस नहीं है, ना ही इस चीज़ की कोई शर्म है कि भाई मैं अपनी बहू को बना के खिलाऊंगी, क्योंकि भाई मैं भी बनाती हूँ मम्मी खाती हैं, तो जब मुझसे कोई चीज़ नहीं बनानी आती तो मम्मी उनको बना देती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में कि सास बना रही है तो मैं क्यों खा रही हूँ,
तो बस जब मम्मी आटा बना रही थी और मैं बर्तन धो रही थी, तो मम्मी ने तभी मुझे बोल दिया था कि इंदु तुम दिया लगा के जल्दी से पहले खाना खा लो, मक्की की रोटी है जो गरम गरम है, मक्की की रोटियाँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई सास केयर नहीं करती, करती हैं, सास भी केयर करती हैं, पर यह है कि दोनों ही तरफ से आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो मम्मी ने बना दिया है खाना और मैंने खाना भी शुरू कर दिया है, और साग मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सास खराब ही होती है, सास अच्छी भी होती है, हर तरह के इंसान धरती पे हैं। तो मेरी सास तो मैं बताऊँ बहुत अच्छी हैं। यह है कि थोड़ा बहुत सभी में ही ऊपर नीचे हो जाता है, वो एक टाइम की बात है, पर अदरवाइज उन सब चीज़ों को अलग रख दूँ तो मेरी सास ऑल ओवर बहुत अच्छी है। तो लीजिए, खाना वगैरह मैंने भी खा लिया था और उसके बाद सबको दे दिया था मैंने खा के। तो सबने खाना खा लिया है और बर्तन मैंने धो दिए हैं, चूल्हे के पास भी धो दिया है मैंने सारे में को, बस चूल्हा अभी लीपना रह गया है क्योंकि चूल्हा गर्म हो रहा था। तो मम्मी अभी खा रही है खाना और मैंने अभी मम्मी को नहीं बताया है इसके बारे में कि मैंने नहीं खोया है, सही में ये खुद निकल गया है। तो चलिए जाके अब बताऊंगी मैं मम्मी को और देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन होगा। डर तो लग रहा है पर जो भी है बताना तो है ही उन्हें। मैं आ गई हूँ कृष्णा को सुलाने के लिए, मम्मी को बता तो दिया है, गुस्सा भी हो रही है वो, पर उन्हें भी पता है कि मैंने जानबूझ के नहीं गिरा है। तो चलो ढूंढेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर बनवा के भी वही देंगी। और दोस्तों अब मैं कृष्णा को सुलाऊंगी क्योंकि कृष्णा सोने के लिए रो रहा है बहुत। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वो जो मेरी सास है वो बहुत अच्छी है, और आज के वीडियो में आपने देखा भी होगा बहुत केयर करती हैं। सबका केयर करने का तरीका अलग अलग होता है, कोई दिखा देता है केयर करने की और कोई दिखाता नहीं है, सिर्फ अपने काम से वो पता लगता है कि हाँ वो केयर कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी सास के साथ अच्छे तरीके से रहिए क्योंकि दोनों ही तरफ से बात बनती है, ये नहीं है कि सिर्फ सास करेगी या सिर्फ बहू करेगी, दोनों के ही करने से होगा। तो मेरी सास भी करती है क्योंकि मैं भी अपनी सास की करती हूँ, तो दोनों ही तरफ से होता है। तो चलिए फिर आज का वीडियो रोकते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखते हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा करो सबको, टाटा टाटा करो, टाटा करो, गंदा।